सिलसिला ठुमको का। सिलसिला मस्ती का, लेडीज गैंग की मटर गश्ती, किनारे लगी नंदिनी की कश्ती। भाई कुणाल और मौली के घर में गणपति बप्पा का आगमन होने जा रहा है। इसी खुशी में आज घर की सारी लेडीज कर रही हैं ठुमके लगाने की रिहर्सल। और जरा देखिए, आज तो कुणाल भी शामिल है इनके इस ठुमके गैंग में। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि व्हीलचेयर में बैठने वाली दादी माँ आज दिखा रही हैं अपने नच का करंट। भाई ये तो हुआ बिहाइंड द सीन सिलसिला डांस मस्ती और धमाल का। अब सुनिए असली बवाल। आज कुणाल से मिलने के लिए नंदिनी मॉर्निंग वॉक पर कर रही हैं कुणाल का इंतजार। कुणाल आए, नंदिनी से मिले, लेकिन आज कुणाल असमंजस में हैं, गिल्टी फील कर रहे हैं। इसीलिए जब नंदिनी ने कुणाल को अलविदा कहकर जाने की कोशिश की तो एक बार फिर जग गया कुणाल बाबू का प्यार और नंदिनी को अपनी बाहों में भरकर। गले लगाकर खा डाली जिंदगी भर नंदिनी का साथ निभाने की कसमें। जैसे मिलना था हम लोग ऑफ कोर्स छुप छुप के ही मिल सकते हैं, तो हम बस वही बहाने से आए थे कि ये जॉगिंग के लिए आए, तो मैंने यहाँ मिला। लेकिन कुणाल और नंदिनी की इस प्रेम लीला पर किसकी है नजर, इन दोनों को इस बात की जरा भी भनक तक नहीं है कि राजदीप इनकी इन करीबियों को अपनी नजरों में चोरी छिपे कैद कर रहा है। नहीं, हम लोग कुछ नहीं पता है, हम लोग बस अपने प्यार में मग्न हैं और हम लोग बस एक दूसरे के अलावा फिलहाल किसी को नहीं जानते। गार्डन में 70 लोग हैं, बट वी केयर अ डैम। जब वो कुणाल और नंदिनी को देखता है एक दूसरे की बाहों में, तो उसके दिमाग में दो चीजें आती हैं। एक कि जैसा उसने पहले कहा था मौली से कि नंदिनी उसका घर बर्बाद कर देगी, एक वो उसको उसका एक प्रूफ उसके सामने दिखता है, और दूसरा उसके दिमाग में एक एक आइडिया आता है कि अब मैं ये जाकर 100% मौली को दिखाऊंगा। तो वहीं दूसरी तरफ आज नंदिनी अपने हाथों से गणपति की मूर्ति बनाकर कुणाल और मौली के घर आई हैं पूजा में शामिल होने। लेकिन इन्हें क्या पता था कि यहाँ कुणाल की सासू माँ से नंदिनी को सुननी पड़ेंगी जमकर खरी खोटी। बात बिल्कुल सही कह रही हूँ, ये कड़वी बात हो लेकिन सौ टका सही है। ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर में गणपति है, तो ये दूसरे गणपति कैसे लेके आ सकती है? ये तो तुम्हारी गणपति जी का अपमान हुआ ना। जिंदगी में भी दो एक घर वाली बाहर वाली, मतलब रील में और दो गणपति पापा भी हो गए, सो डबल धमाका हो गया बेसिकली घर में, इसलिए इतने धमाके फूट रहे हैं। जो मेरी सास हैं वो थोड़ी सी नाखुश हैं इस चीज़ से, और वैसे ही नंदिनी को तो पसंद नहीं करती हैं, सो नंदिनी को खरी खोटी सुना रही हैं। लेकिन एक बार फिर कुणाल और मौली ने दिया नंदिनी का साथ और एक नहीं दो गणपति की स्थापना की गई पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ। मंगल मूर्ति। वो नहीं चाहती कि एक और गणपति बापा स्थापित हो और तीनों घर में कोई कलेश हो, पर ऐसा कुछ होता नहीं। एंड आई जस्ट कन्वर्टेड बाय सेइंग थैंक यू कि तुमने हमारे लिए मतलब गणपति बापा लेकर आए, इतनी समय दूसरा रूप देखने को मिला गणपति बापा का। यहाँ भी कुणाल और नंदिनी एक दूसरे से
नजरों नजरों में ही बात करते दिखाई दिए। लेकिन मुसीबत की बात यह है कि मौली को ये सब कब नजर आएगा। भाई उसका भी इंतजाम हो गया है, राजदीप कभी भी मौली के सामने कुणाल और नंदिनी की प्रेम लीला का भांडा फोड़ कर सकता है। मौली को जाके सब बताएगा और कोशिश करेगा कि सबकी बैंड बजाए। तो क्या थम जाएगा? कुणाल और नंदिनी के बीच चाहत का ये सिलसिला देखना दिलचस्प होगा। मुंबई से श्रुति बड़जात्या के साथ आज तक ब्यूरो।